किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्नशिखा टाइम्स। उत्तर प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज अब तक 23 जनपदों में फैल चुका है। हालांकि इसके प्रसार की गति काफी धीमी हुई है और रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है। यूपी में अभी तक पश्चिमी बेल्ट, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर और मथुरा में इस बीमारी का ज्यादा प्रकोप देखने को मिला है, जबकि इनसे सटे जनपद आगरा, अमरोहा, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, शाहजहांपुर में संक्रमित पशुओं की संख्या दहाई के अंकों में है। बीते 6 सितंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कई विभागों के आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में लंपी स्किन डिजीज को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए प्रभावित जनपदों से सटे जिले पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इटावा जनपद की 10 किलोमीटर के अंदर आने वाले इलाकों को घेरा बनाकर उसे इम्यून बेल्ट घोषित किया गया है। योजना के मुताबिक इस इम्यून बेल्ट में आने वाले तकरीबन 3,16,000 पशुओं का टीकाकरण एक सप्ताह के अंदर हर हाल में करने का लक्ष्य है। योजना के नोडल और उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में तैनात संयुक्त निदेशक एपिडेमियोलॉजी डॉक्टर शरद अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में अब तक 22,844 केस आइडेंटिफाई हुए हैं, वहीं मरने वाले पशुओं की संख्या 217 है, जो आंकड़े के लिहाज से 1% से भी कम है। उन्होंने बताया कि बीमारी की गंभीरता को देखते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे के प्रयासों से प्रदेश को 52.5 लाख वैक्सीन मुहैया हो चुकी है, जिसमें से अब तक 7,87,000 पशुओं को वैक्सीनेट भी किया जा चुका है। इसके अलावा शासन व प्रशासन की तरफ से पशुपालकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। तो ये थे लंपी स्किन से प्रभावित क्षेत्रों के ताजा आंकड़े। आप अपने सवाल ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमारे पास भेजते रहिए, हम उनका उचित समाधान खोजकर आपको बताते रहेंगे। आज बस इतना ही, अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रत्नशिखा टाइम्स। नमस्कार।